Good morning, friends. Welcome to Seekho Seekhao series. Today's topic is RBI policy. Today, Monetary Policy Committee ने fourth bi-monthly meeting की थी, जिसमें उन्होंने repo rate 25 basis cut किया था. And this was a fifth straight cut. Friends, RBI एक साल में almost 6 bi-monthly meeting करता है, जिसमें RBI अपनी policy announce करता है, which impact on our inflation and liquidity. इस पॉलिसी में उन्होंने 25 बेसिस रेपो रेट कट किया है. इफ़ वी लुक एट लास्ट 5 एमपीसी मीटिंग्स, जो आरबीआई का जो ट्रेंड चल रहा है विच इज़ गोइंग डाउनवर्ड्स टूवर्ड्स रेपो रेट, फ्रॉम लास्ट 5 मीटिंग्स दे हैव रिड्यूस 135 बेसिस पॉइंट्स विच इज़ 1.35%. And it is almost lowest in one decade. They've also reduced GDP target of FY20 to 6.1. Friends, monetary policy kya hoti hai aur ek kya framework hota hai? Just to understand, around 2015, RBI and government ne ek MPC, which is Monetary Policy Committee ka gathan kiya tha, jiska target tha price stability and inflation control karna. Isme 6 members hote hain. 3 members RBI ke and 3 members nominated from Government of India. And all 6 members vote for certain policy rates and jo bhi majority hota hai, uska wo final outcome announce kar dete hain. At present, current mandate for inflation is 4% with plus minus 2% tolerance. MPC se pehle kya hota tha? Ek technical advisory committee hoti thi jo ye policy announce karti thi. What is basically RBI's objective? एक तो इनका control liquidity करना है and control inflation है by changing policy rates like CRR, SLR, repo rate, reverse repo rate, etc. Now आज की policy में जो 6 members हमने अभी discuss किए, उन्होंने जो voting की थी वो इस प्रकार है. Our governor Mr. Shaktikant Das voted for 25 basis points. Our deputy governor Mr. Kanungo, again 25 basis points. Mr. Michael Patra, 25 basis points. Mr. Dholakia, 40 basis points. Professor Pamidua, 25 basis points. And Shri Chetan Ghate, again 25 basis points. So, jo inka majority aya, outcome aya, wo humara 25 basis point ho gaya. Let's understand what is the effect of repo rate. Friends, jabhi bhi RBI repo rate kam karta hai, तो बैंक को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो भी आगे रेट कम कर सके एट ए लोअर इंटरेस्ट रेट. काफ़ी बार ये हमें सुनने को मिलता है कि बैंक्स जो आरबीआई की तरफ से रेपो रेट कम हुई है उसको एंड कंज्यूमर तक पास नहीं करती हैं और टाइम लेती हैं. फॉर द सेम रीज़न रिसेंटली कुछ बैंक्स ने रेपो रेट को लिंक भी कर दिया है इंटरेस्ट रेट के साथ. नाउ व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ रेपो रेट? लेट से आज बैंक ने इंटरेस्ट रेट और रेपो रेट कम किया 25 बेसिस पॉइंट. नाउ कॉरपोरेट्स ज़्यादा बोरो कर सकते हैं बैंक से, क्योंकि रेट कम है, इंटरेस्ट रेट कम है, तो वो ज़्यादा बोरो कर सकते हैं. कॉरपोरेट्स यदि ज़्यादा बोरो करेंगे बैंक से, सो वो अपनी कंपनी को ज़्यादा ग्रो कर पाएंगे. दैट विल एड इन इकोनॉमी. ज़्यादा इकोनॉमी बढ़ेगी, कॉरपोरेट्स ग्रो करेंगे तो ज़्यादा जॉब आएंगे. ज़्यादा जॉब होंगी तो ज़्यादा इनकम होगी. That will lead to high demand for goods and services. So demand यदि अपनी goods and services की बढ़ रही है और supply यदि अपनी same है तो prices will go up. Let's touch origin of RBI. We should know about how RBI started actually. Around 1920s, British government ने एक commission set up किया था, Royal Commission, जिसका नाम था Hilton Young Commission on currency and finance. उसी टाइम पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने एक बुक भी लॉन्च की थी, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन. इस कमीशन ने वहाँ से भी कुछ इनपुट्स लिए थे एंड अराउंड 1935 इट स्टार्टेड एज ए शेयर होल्डर्स बैंक. इफ़ यू लुक एट लोगो, उस टाइम पे इस लोगो में ब्रिटिश गवर्नमेंट का भी रिफ्लेक्शन होता है. लेटर ऑन वी चेंज पोस्ट इंडिपेंडेंस. नाउ दिस इज आर न्यू लोगो. देयर इज वन इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट आरबीआई. इवन आफ्टर 47 बर्मा, जिसे हम म्यांमार के नाम से जानते हैं,
एंड इवन पाकिस्तान का भी आरबीआई एज ए सेंट्रल बैंक की तरह काम कर रहा था. सो दिस वॉज अ ब्रीफ हिस्ट्री, वी शुड नो इट. सो फ्रेंड्स, वी बी कंटिन्यूइंग विद आरबीआई अदर पॉलिसी रेट्स लाइक सीआरआर, एसएलआर एंड व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ पॉलिसी रेट्स. वी ऑल्सो कवर आरबीआई पॉलिसी इन आर फ्लैगशिप प्रोडक्ट कॉल्ड मार्केट व्यू टर्मिनल ऑन अ रियल टाइम बेसिस. सो लॉग ऑन टू आर मार्केट व्यू टर्मिनल and subscribe to Ticker TV for future updates. Thank you.